धार में नगरीय निकाय चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा, कांग्रेस ने अपने शासन में क्या किया है ये किसी से नहीं छिपा है। भाजपा ने सदैव विकास के काम किए हैं, इसलिए भाजपा को इस चुनाव में ऐतिहासिक जीत मिलेगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा, मध्य प्रदेश में संपन्न हुए नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों में जनता जनार्दन ने भाजपा पर अपना भरोसा कायम रखा है, क्योंकि भाजपा ने मध्य प्रदेश के नगरों और ग्रामों का विकास किया है। नागरिक यह बेहतर जानते हैं कि दिग्विजय सिंह के नेतृत्व की कांग्रेस सरकार में नागरिक मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित थे। मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के नेतृत्व में यहां विकास के नए आयाम स्थापित हुए हैं। भाजपा सरकार में सड़क, पानी, बिजली जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ ही उन ग्रामों के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से कार्य हुए हैं। दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के हालात जो थे, पूरा देश के अंदर एक आया था कि मध्य प्रदेश कैसा राज्य है, तो बीमारू राज्य। नगरीय निकाय चुनाव के प्रचार के दौरान मीडिया से बात करते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा, जिस प्रकार का जनता में कार्यकर्ताओं में उत्साह है, उससे मैं ये कह सकता हूं कि इन क्षेत्रों में भी भाजपा को ऐतिहासिक जीत हासिल होगी। देखिए, मैं भी विगत दो दिन से पूरे इस क्षेत्र में, जहां भी हमारे दोनों जिले धार और बड़वानी के अंदर नगर परिषद नगर पालिका के चुनाव अभी संपन्न होने जा रहे हैं, जो जिस प्रकार का जनता में कार्यकर्ताओं में उत्साह है, उससे मैं कह सकता हूं कि इस पूरे क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जैसे पहले परचम फहराया झाबुआ से लेकर के हर जनजाति क्षेत्र में, इसी प्रकार इन दोनों जिलों के नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी, चाहे वो रही हो, चाहे कुक्षी हो, चाहे धार हो, हर स्थान पर भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत से जीत। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।